आज आने वाले स्कूल के बच्चे अपना हॉलीडे एंजॉय करने के लिए। ये हैं कुछ बच्चे जो आज फुल एंजॉय लेने वाले हैं गढ़ ड्रेसिंग लैंड में। तो बच्चों कैसे आप सभी लोग? एक लेवल होता है ना ब्लॉगर का, आज वो पूरा महसूस हो रहा है यहाँ पर। बच्चे की निक्कर उतर रही है, इसने नाड़े नहीं बांधा तो मैं बांध दू। फुल मजा आ रहा है। दोस्तों क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अमरजीत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सप्लोर विद अमरीक। सो दोस्तों आज मैं आ रखा हूं हापुड़ उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आज मैं हापुड़ इसलिए आया हूं क्योंकि यहां पे जो बेस्ट टू बेस्ट वाटर पार्क जिसका नाम है गढ़ ड्रेसिंग लैंड, मैं आज उसका एक्सप्लोर करने वाला हूं। तो इस वाटर पार्क की क्या टिकट प्राइस होने वाली है, क्या क्या स्लाइड्स होने वाली है और क्या क्या इस वाटर पार्क के अंदर स्पेशल होने वाला है, तो आपको मैं फुल डिटेल देने वाला हूं। तो दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए। तो अभी चलते हैं यहाँ से टिकट काउंटर, क्या प्राइस होने वाले हैं तो चलो आपको फुल डिटेल बताता हूँ। सो दोस्तों यह है गढ़ ड्रेसिंग लैंड का मेन गेट, यानी यहाँ से आपकी एंट्री होगी और इसी के बिल्कुल राइट साइड है आपका टिकट काउंटर जिसमें आप वाटर पार्क और एम्यूजमेंट पार्क की टिकट लेके आप एंट्री ले सकते हैं इस गेट से। और दोस्तों अगर मैं आपको इस वाटर पार्क के एड्रेस की बात करूँ तो नेशनल हाईवे 9 नियर ब्रिजगढ़ टोल प्लाजा गढ़ मुक्तेश्वर आपको ये एड्रेस पड़ेगा। सो दोस्तों अभी हम चलते हैं यहाँ से टिकट काउंटर। आप देख सकते हो यह है टिकट काउंटर, यहाँ पर कुछ चार्जेस लिखे हुए हैं कि क्या टिकट के क्या प्राइजेस होने वाले हैं, क्या कॉस्ट्यूम के प्राइजेस होने वाले। पर लेकिन मैं आपको एक बार बात करता हूँ भैया से, तो भैया आपके जो ये इस वाटर पार्क के जो टिकट प्राइजेस हैं आप प्लीज़ मुझे प्लीज़ बता सकते हैं कि क्या किसके क्या चार्जेस होने वाले हैं? जी सर बिल्कुल बता सकता हूँ सर। हाँ जी बताइए। ये हमारा जो होता है ना मंडे टू फ्राइडे अलग होते हैं रेट, और सैटरडे संडे एंड गवर्नमेंट हॉलीडे रेट जो है अलग होते हैं। इसमें हमारा जो मंडे टू फ्राइडे किड्स का होता है वो 250 रुपये पर एंट्री होता है, फैमिली में 350 रुपये पर एंट्री होता है, और सीनियर सिटीजन उनका भी 250 ही लगता है। और फिर आते हैं स्टैग में, स्टैग में जो होता है हमारा 400 रुपये पर एंट्री होता है। सैटरडे संडे एंड गवर्नमेंट हॉलीडे 50 रुपये एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जैसे किड्स का हो गया 300 रुपये और सीनियर सिटीजन के 300 रुपये, फैमिली का 350 और स्टैग का 450 रुपये। और सर अगर मैं कॉस्ट्यूम की बात करूँ, कॉस्ट्यूम आपका जैसे ये अलग अलग प्राइस है हर मतलब जैसे मेल का फीमेल का या सबका सेम है? नहीं सर उसका सभी का अलग अलग प्राइस है सर। जैसे जेंट्स का अगर लेते हो तो जेंट्स का 50 रुपये, ठीक है, और लेडीज कॉस्ट्यूम होती है वो 60 रुपये होती है। लोकर भी आता है, लोकर चार्ज 50 रुपये एक्स्ट्रा होता है। फिर ट्यूब वगैरह लेते हो तो ट्यूब का भी एक्स्ट्रा होता है सर उसमें। सो गाइज ये थे कुछ यहाँ वाटर पार्क के कुछ प्राइजेस जो आपका चार्जेस जो लगने वाले इस वाटर पार्क के अंदर, जैसे ट्यूब लॉकर और कॉस्ट्यूम के रिलेटेड और क्या क्या टिकट के प्राइस होने वाले हैं। तो चलो अभी हम चलते हैं यहाँ से अंदर वाटर पार्क। आज इस वाटर पार्क के अंदर एक स्पेशल पैकेज आने वाला है। स्पेशल पैकेज मतलब आज आने वाले स्कूल के बच्चे अपना हॉलीडे इंजॉय करने के लिए। देख सकते हो आप ये सारे बच्चे आ रखे हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स हैं टीचर्स हैं, तो आज ये फुल एंजॉय करने वाले हैं इस वाटर पार्क के अंदर जिसका नाम है गढ़ ड्रेसिंग लैंड। ये हैं कुछ बच्चे जो आज फुल एंजॉय लेने वाले हैं गढ़ ड्रेसिंग लैंड में। तो बच्चों कैसे आप सभी लोग? तो आप कौन से स्कूल से आए हो? तो आज फुल डे एंजॉय करने वाले हो आप लोग? तो चलो जी मिलते हैं हम अंदर आपको वाटर पार्क के। ओके बच्चों के साथ एंजॉय करने वाला हूँ जो कि है स्कूल बच्चे। तो आज वो छुट्टी मनाने के लिए आए हैं तो आज हम फुल एंजॉय करने वाले बच्चों के साथ ही। भाई साहब आज का दिन जो है ना एक नंबर होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे बच्चे भाई साहब एम्यूजमेंट पार्क की तरफ लपक पड़े हैं बिल्कुल, जैसे ये देखो जी। हाय भाई क्या हाल है? बढ़िया ये, थैंक यू। बाकी ये एक ये राइड है, यहाँ पर एक ये राइड है देख सकते हो आप। भाई साहब इधर फुल बच्चे स्कूल वाले फुल एंजॉय कर रहे हैं देख सकते हो आप। तो गाइज ये जो राइड है यहाँ पर बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं जिसका नाम है ट्विन कोलंबस, आप देख सकते हो। मजा आ रहा है नहीं आ रहा उसको? आ रहा है तेरे को? नहीं आ रहा बस।
तो गाइज ये कुछ एम्यूजमेंट पार्क के ना दो तीन स्लाइड्स थी जहाँ पर ये बच्चे फुल इंजॉय ले रहे हैं। भाई साहब एक नंबर लग रहा है आज का जो क्राउड है यहाँ पर। मैं पहली बार यार यहाँ ऐसे कुछ वीडियो शूट कर रहा हूँ जो कि बच्चों के साथ है, स्पेशल वो भी स्कूल वाले बच्चों के साथ। भाई साहब एक नंबर मजा आ रहा है, एक नंबर, क्योंकि बार बार वो ना सब मेरे से चैनल का नाम पूछ रहे हैं, प्लस यार वो कह रहे हैं कि भैया आपके साथ एक फोटो क्लिक हो जाए। मैं यार बिल्कुल यार बिल्कुल, तो मतलब ऐसा कर रहा है कि यार एक ना जैसे एक लेवल होता है ना ब्लॉगर का, आज वो पूरा महसूस हो रहा है यहाँ पर। तो भाई चलो अभी हम चलते हैं वाटर पार्क की तरफ। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर बच्चे आ रखे स्कूल के, तो चलो उनसे बात करते हैं कि आज का जो उनका जो एंजॉय हो रहा है कैसा हो रहा है। चलो जी, तो भाई क्या नाम है आपका? सर सैजान। सैजान कहाँ से आए हो आप? सर स्कूल से। अरे स्कूल से तो आए हो, कौन से वाले स्कूल से आए हो? सर एसजीएम इंटरनेशनल स्कूल। ये कहाँ पर पड़ता है भाई? सर अजाड़ा सिंबावली। ओके, तो कैसा जा रहा है आपका अभी तक जो डे है, ये एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे? सर एंजॉय कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा जा रहा है। तो अभी तक आपने जो एम्यूजमेंट पार्क के मजे लिए सिर्फ, तो अभी मेरे साथ चलोगे वाटर पार्क के अंदर? कपड़े चेंज करने के लिए तैयार हो? यस सर। तो फुल मजे करेंगे वेव पूल के अंदर, है ना? तो सारी स्लाइड्स कंप्लीट करेंगे। कौन कौन मेरे साथ करेगा तुम में से? ओए होए होए, चलो भाई मेरे को कुछ मेरे भाई लोग मिल गए छोटे वाले, तो हम इंजॉय करेंगे आज इनके साथ। तो ठीक है जी। सो गाइस आपने जैसा कि देखा अभी मैंने बॉयज से कुछ, जैसे ये स्कूल के बच्चे आ रखे हैं, बॉयज से बात करी, और उसके बाद ना कुछ गर्ल्स थी जो मेरे को बोलते हैं कि यार भैया एक बार प्लीज हमारे साथ भी वीडियो हो जाए, तो चलो हम उनसे बात करते हैं। तो गर्ल्स कैसे हो आप सभी लोग? बहुत अच्छे। कौन से स्कूल से आए आप? एसजीबी इंटरनेशनल स्कूल। तो कौन सी क्लास से हो आप सभी लोग? सिक्स। एक ही क्लास के हो सारे? ओके, तो आज फुल एंजॉय कर रहे हो आप? यस सर। एम्यूजमेंट पार्क आपका कंप्लीट हो गया, मतलब एंजॉय करते करते अब वाटर पार्क की बारी है। ओके, तो चलो मेरे साथ एंजॉय करोगे ना वाटर पार्क में? ओके, मिलते हैं आपको वाटर पार्क के अंदर। ओके दोस्तों, जैसा कि मैं बचपन में यार पिकनिक जाता था ना अपने स्कूल वाले फ्रेंड्स के साथ, स्कूल वाले टीचरों के साथ, वैसे ही यार यहाँ पर आज मैं जो कलोल देख रहा हूँ ना, आप देख सकते हो यार सब अपने बैग, जैसे यहाँ पर सब ने फेंके हुए थे, अब सब के सब अपने बैग उठा रहे हैं। आप देख सकते हो कितना यार बढ़िया लग रहा है, बचपन वाली याद आ गई। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं डायरेक्ट वाटर पार्क वाली साइड में, तो सबसे पहले हम आए फैमिली पूल। तो देख सकते हो यहाँ पर ये फैमिली पूल, यहाँ पर ये बच्चे फुल एंजॉय ले रहे हैं। मजा आ रहा है, फुल मजा आ रहा है। बाकी फुल एंजॉय ले रहे हैं यहाँ पर सारे बच्चे, देख सकते हो फुल मजे। बाकी एक जो यहाँ पर सबसे पहले ये टनल वाली, उसके बाद ये ओपन सी, और उसके बाद है पूरी ओपन सी। भाई साहब फुल मजे आने वाले हैं, और कुछ एक दो स्लाइड्स हैं बच्चों के लिए, लेकिन जो बाकी स्लाइड है हमारे एडल्ट्स के लिए, तो हम सब में एंजॉय लेने वाले हैं। तो यार सबसे पहले हम ये वाली स्लाइड करने वाले, तो चलो चलते हैं हम। ऐसे हम भी जा रहे हैं ये पहली स्लाइड करने के लिए, यहाँ पर देख सकते हो ये जैसे ये वाली पहली स्लाइड है, तो चले चलो 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 चलो। ये देखो जी कुछ इस तरीके की यहाँ पर जा रहे हैं। ओए मेरी बारी थी यार, कोई बात नहीं हम इसके बाद जाएंगे जी। चलो तो गाइस हम बैठ चुके हैं, तो चलो जाते हैं हम। जैसे कि अभी अभी मैं ये वाली स्लाइड करके आया, आप देख सकते हो ये वाली स्लाइड, यार जैसे मैं पानी में आया ना मेरा चश्मा यार गुम हो गया था भाई साहब, कलोल हो गया मेरे साथ, प्रॉपर्टी हो गया था। जैसे कि अभी अभी हम ये वाली स्लाइड करके आए हैं, उसके बाद हमारे को वैसे टनल वाली में जाना था, पर थोड़ा सा ना प्लान चेंज कर लिया मैंने, तो अभी हम जा रहे हैं ये वाली स्लाइड करने के लिए। चलो बच्चा चलो चलो चलो, फिर मेरी बारी है। ये देखो जी कुछ इस तरीके से बच्चा गया। तो गाइस मैं ना अपना चश्मा यार अपने हाथ में ले लेता हूं, बिकॉज चश्मा बार बार ना पानी में गिर जाता है, तो ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो चलो जी, ओए होए होए, ये देखो जी बच्चे की निक्कर उतर रही है, इसने नाड़े नहीं बांधा, तो मैं बांध दूं? तो मैं बांध देता भाई। तो भाई इस बच्चे का हमने नाड़ा बांध दिया है, अब तो नहीं पैंट उतरेगी तेरी है? तो चलो भाई चलो, ओके जाओ 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 जाओ, थैंक यू। ओके भाई इस बच्चे को ना टनल वाली स्लाइड में जाने से डर लग रहा है, डर क्यों लग रहा है पहले ये बताओ। पानी भर गया था? अरे डरना नहीं होता, पता क्यों? डर के आगे जीत है। तो यार तुम डरोगे तो कैसे यार आगे बढ़ोगे? चलो आ जाओ आ जाओ जाओ, अरे हो जाएगा। ओ भाई साहब यहाँ पर तो यार बच्चे घर ही जा रहे यार ये टनल वाली करने के लिए। तो चलो गाइस मैं टनल वाली स्लाइड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पर दो स्लाइड थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। तो गाइस अभी मैं ले लेता हूँ ये टनल वाली स्लाइड। तो भाई पहले तू जा रहा है? जाओ 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 जल्दी ली जाओ। तो भाई ये कुछ बच्चा जा रहा है, देख लो जी इस तरीके की टनल है ये। भाई साहब यहाँ से क्या वो वहाँ से निकला। तो गाइस अब मेरी बारी है टनल वाली स्लाइड करने के लिए, तो चलो चलते हैं। दोस्तों ये है कुछ बाल्टी, ओए होए 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 होए, फुल बच्चे एंजॉय ले रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चों मजा कर रहे हो फुल? अभी पहले तुमने एम्यूजमेंट पार्क में मजे ले लिए, अब वाटर पार्क की बारी है ना,
अभी कौन कौन वो बोले वाटर पार्क में चलेगा जो जिस तरह में वेव पूल भाई साहब बस कुछ भी पूछ लो ये बस चीख मारेंगे बस यहाँ पे भाई साहब एक नंबर मजा आ रहा है बच्चों के साथ। सो दोस्तों अभी जैसे कि मैं फैमिली पूल की जो तीन स्लाइड थी उनके फुल मजे ले चुका हूँ जो कि इस तरफ आप देख सकते हो 1 2 3 ये तीनों स्लाइड थी हमने फुल मजे ले लिए और इसके बिल्कुल बैक साइड ही बाल्टी वाली वो है जो हमने बाल्टी के भी मजे ले लिए। तो गाइज वहाँ पर है एडल्ट वाली स्लाइड तो 1 और 2 यानी सिर्फ 2 स्लाइड है यहाँ पर एडल्ट के लिए। नहीं 1 2 3 स्लाइड है कुछ एडल्ट के लिए। हम पहले एडल्ट वाली स्लाइड ले लेते हैं फिर उसके बाद रेन डांस करेंगे और ये है कुछ वेव पूल तो हम वेव पूल में भी मजे लेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम चलते हैं एडल्ट वाली स्लाइड में। तो गाइस अभी ले लेते हैं हम यहाँ से अपनी ट्यूब क्योंकि ट्यूब के बिना ये वाली स्लाइड नहीं होनी तो हम अपनी ट्यूब ले लेते हैं। तो ये वाली जो स्लाइड आ रही है ना यार बड़ी सा आप देख सकते हो ये वाली इसके अंदर से आपको ट्यूब मिलेगी। तो अभी और लोग आ रहे हैं ट्यूब लेके हम उससे ट्यूब लेंगे फिर अपनी राइड करने चलेंगे। चलो जी गाइस अभी हमने अपनी ट्यूब ले ली ये वाली स्लाइड करने के लिए तो अभी हम जा रहे हैं बिल्कुल टॉप फ्लोर पे फिर हम आएंगे ट्यूब से। चलो जी अभी हम ट्यूब लेके ऊपर आ चुके हैं देख सकते हो यहाँ पर ये तीनों चारों स्लाइड्स हैं। तो अभी हम ये वाली स्लाइड करने वाले हैं ट्यूब में तो हम अपनी ट्यूब यहाँ रख लेते हैं। अरे मेरे को जाने बाबू मेरे को जाना है भाई बच्चे सारे मांग रहे हैं नहीं बिकेगा फोन। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं वाली स्लाइड करने। ओए भाई साहब एक नंबर बिल्कुल गोल मजेदार ओए ओए ये मजा आ गया एक नंबर भाई साहब। अभी अभी जैसा कि हम ये वाली स्लाइड करके आए थे बड़ा मजा आया भाई साहब एक नंबर। और एक लड़का था मेरे साथ स्कूल का ही तो वो भी मेरे साथ ही जा रहा है अभी दोबारा ये वाली स्लाइड करने जो कि अभी हम चढ़ रहे हैं ऊपर। तो जब मैं आपको वो स्लाइड दिखाता हूँ बिकॉज यार जो ये टूब वाली स्लाइड थी ना बड़ा मजा आया भाई एक नंबर। बाकी हम आ चुके हैं अब ऊपर देख सकते हो अभी हम ये वाली स्लाइड करके आए इसमें भी ट्यूब की जरूरत है पर ट्यूब अभी है नहीं हमारे पास। तो चलो हम यहाँ पे ना बिना ट्यूब के चलते हैं जी कुछ देखो इस तरीके की है। बाय बाय चलो जी जाओ ये देखो जी कुछ इस तरीके के। तो ये लड़का अभी मेरे साथ ट्यूब वाली स्लाइड करके आया अभी इसकी बारी है। चलो भाई तो गाइस दोबारा हम ये ट्यूब वाली स्लाइड करने वाले हैं बिकॉज अभी हम वो वाली स्लाइड करने वाले थे उससे पहले ना यार हमने सोचा एक ट्यूब फ्री मिल गई है तो चलो जी हम ट्यूब वाली स्लाइड कर ले। ओ भाई साहब इस बार खतरनाक लग रही है एक नंबर ये देखो जी किसको चाहिए ट्यूब पक्का भैया किसको दोगे बताओ। ये देखो भाई साहब ये बड़ा खतरनाक। तो गाइस मेरी किस्मत लगता है आज बहुत ज्यादा तेज है बहुत अच्छी है बिकॉज यार मैं जस्ट ऊपर आ रहा हूँ और मुझे ट्यूब मिल रही है। तो गाइस जैसे अभी मैंने आपको बताया था ये पेंडुलम वाली स्लाइड में भी ट्यूब की जरूरत है तो अभी मैं ये वाली स्लाइड करने आया था जो बिल्कुल सिंगल जाना था लेकिन भाई कुछ ये बच्चा था इन्होंने मेरे को बोला भैया आप मेरे साथ चलो ट्यूब लेके आ रखा हूँ मैं। तो भाई साहब किस्मत बहुत ज्यादा तेज है मेरी थैंक यू भाई चले हम ओके भैया। गाइस अभी हम जा रहे हैं पेंडुलम स्लाइड करने देख सकते हो भाई साहब हम नीचे जाएंगे फिर ऊपर फिर नीचे। चलो भैया छोड़ दो भाई साहब एक नंबर गाइस इतना मजा आया भाई ये वाली स्लाइड करने के अंदर इस पेंडुलम स्लाइड के अंदर भाई साहब एक नंबर। तो छोटे भाई आपको कैसी लगी ये वाली स्लाइड सर बहुत मजा आया ना सर बहुत एंजॉय। तो भाई ये वाला भाई था हमारे साथ जो ये पेंडुलम वाली स्लाइड करके आया है तो भाई साहब एक नंबर थैंक यू भाई आपने मेरे को ट्यूब दी। तो अगली वाली स्लाइड करोगे मेरे साथ तो चलो जी हम ये ट्यूब ना किसी और को दे देते हैं फिर हम चलते हैं अगली वाली स्लाइड करने के लिए। तो यार भैया ये हमारे हिमांशु भाई तो थैंक यू भैया आपने यार मुझे स्पेशल इनवाइट करा इस वाटर पार्क के अंदर थैंक यू भैया थैंक यू भाई साहब एक नंबर
अच्छे। मैंने जितने दिल्ली एनसीआर के जैसे वाटर पार्क कंप्लीट कर लिए हैं तो यार भैया थैंक यू यार, क्योंकि जो अलग एक्सपीरियंस लेना था ना मैंने भाई ये इस वाटर पार्क के अंदर लिया है। और इस वाटर पार्क के एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आज आपने स्कूल बच्चे बुला लिए ना एक नंबर दिल खुश हो रहा है, बच्चा फिर से जा रहा है जो मेरे साथ पेंडुलम वाली स्लाइड करके आया है। चलो जी बाय 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 बाय, ये देखो जी। तो मेरी बारी है भाई, भाई स्लाइड का नाम क्या है? बॉडी स्लाइड। तो भाई हम करने करने वाले बॉडी स्लाइड। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जैसे मल्टीपल स्लाइड के अंदर जो थर्ड स्लाइड है वो है मैट वाली स्लाइड। तो अभी चलो हम चलते हैं मैट वाली स्लाइड। तो ये हम यहाँ से ऊपर से आएंगे बिल्कुल नीचे, तो चलो जी चलते हैं इसके एंजॉय लेने के लिए। एक नंबर एक नंबर, ये वाली जो मैट स्लाइड है ना अदर वाटर पार्क के मुकाबले एक नंबर, मजा आ गया। तो गाइस जैसे मल्टी स्लाइड पूल की तीन स्लाइड थी, हमने वो तीनों स्लाइड कंप्लीट कर ली है। तो अभी हम जा रहे हैं रेन डांस फ्लोर पर। तो यहाँ पर लिखा भी हो रेन डांस, तो ये कुछ फ्लोर है रेन डांस का, तो चलो हम एंजॉय करें रेन डांस फ्लोर पे डांस वांस करके। और डीजे वाले भैया गाना चला दो। फाइनली अब हम कपड़े उपड़े चेंज करके हम वाटर पार्क से बाहर आ चुके हैं। आप मेरे बैक साइड देख सकते हो वाटर पार्क है जो था गढ़ ड्रिजिंग लैंड। तो यार यहाँ पर फुल एंजॉय करा हमने। तो भाई साहब आज का दिन जो था ना बच्चों के साथ हमने फुल मजे के लिए कलोन करा, मतलब एक जो एक होती है ना वीआईपी वाली जो पर्सनैलिटी वो हमने यहाँ पर आज बिल्कुल फुल मजे के साथ हमने ऐश करी भाई साहब। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से अपने घर, अभी हमें हापुड़। तो हमारे को घर जाते जाते करीब 3 से 4 घंटे लगने हैं, अगर हम ऑन द रोड गए तो करीब 4 से 5 घंटे गए, अगर ट्रेन में गए तो हमारे 3 घंटे पक्के हैं। तो चलो अब हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टाटा बाय बाय।